आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक छठवां अध्याय वचन 1-13। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ था। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूंगा। इसराइली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इसराइलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश को देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये बातें मूसा ने इसराइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इसराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इसराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा और हारून को इसराइलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं।